जया एकादशी व्रत विधि। धार्मिक दृष्टि से माघ मास उत्तम मास है। इस पर एकादशी वह भी गुरुवार के दिन होना यह अति उत्तम संयोग है। गुरुवार के दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं और जया एकादशी के पूज्य भी विष्णु हैं। इसलिए इस वर्ष जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह व्रत माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी का पूजा का विधान है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहता है उसे व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत संकल्प लेकर धूप फल दीप पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का भजन कीर्तन वह सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। द्वादशी अथवा पारण के दिन स्नानादि के बाद पुनः भगवान का पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से छूट जाता है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी व्रत का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंड, उदित और जरायुक्त चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चितरसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और भाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था।
इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बसते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इसी कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह पाकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले से रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देही छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथा सार। संगीत देवी सरस्वती एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी है। जया एकादशी व्रत का महत्व। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञ तथा अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और उत्तम कही गई है। पवित्र होने के कारण यह उपवासक के सभी पापों का नाश करती है तथा इसका प्रत्येक वर्ष करने व्रत करने से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस एकादशी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित विषयों का त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। व्रत की रात्रि में भी श्री विष्णु पाठ का जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्ट जनों का साथ नहीं देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि में रात्रि में दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद, शाक, करोंदो,
चना, मसूर की दाल, मांस, जौ का सेवन नहीं करना चाहिए।